नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों हम आज बात करेंगे स्कूबा के जर्नल फीचर के बारे में। इन्हें हिंदी सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो मैं हूं डॉक्टर एम के एस माहिसैनी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जर्नल फीचर ऑफ स्केपुला। सबसे पहले स्केपुला की शेप होती है लार्ज और ट्राइंगुलर, तीन कोने होते हैं, ये थोड़ी बड़ी होती है और ट्राइंगुलर, एक दो तीन, इसलिए इसको इसकी शेप होती है कि लार्ज और ट्राइंगुलर। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न के बोन है ये फ्लैट बोन होती है, क्योंकि चपटी बोन होती है इसलिए इसको फ्लैट बोन बोलते हैं। इसकी शेप होती है ट्राइंगुलर और ये चपटी बोन होती है इसके लिए फ्लैट बोन बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात है, तीन एंगल होते हैं, दो सरफेस होती हैं, तीन प्रोसेस होते हैं और तीन बॉर्डर होते हैं। अब कहाँ पे क्या होता है, कौन सी क्या होता है, सब आपको बताऊँगा। सबसे पहले टू सरफेस, अंदर वाली सरफेस होती है कोस्टल सरफेस, जो एनाटॉमिकल पोजीशन में जो अंदर की तरफ लगती है, जो कॉनकेव होती है और ये अंदर से हॉलो होती है। और दूसरी सरफेस डोर्सल सरफेस, इस पर स्पाइनिस प्रोसेस लगा होता है, ये कॉनवेक्स होती है, उभरी हुई होती है। ठीक है, इसमें तीन एंगल होते हैं, इन्फीरियर एंगल, सुफीरियर एंगल और लेटरल एंगल, जो इसको ग्लाइडल कैविटी को लेटरल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तीन प्रोसेस होते हैं, स्पाइनिस प्रोसेस, एक्रोमिन प्रोसेस, कोरोकोइड प्रोसेस। ठीक है, तीन प्रोसेस हो गए, तीन एंगल हो गए, तीन बॉर्डर होते हैं, तीन बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर है क्योंकि ग्लाइनोइड कैविटी वाला लेटरल बॉर्डर होता है। ठीक है, मीडियल बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर है। ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर है। समझ में आया, ये एंगल हो गया इन्फीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल और लेटरल एंगल, ये ग्लाइनोइड कैविटी वाला है। सरफेस बताई दी, एंगल बताई दी, बॉर्डर बता दिए, प्रोसेस बता दिए। ठीक है, अब साइड ड्रेनेशन वाला वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ कि साइड ड्रेनेशन कैसे फिक्स करनी है, क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले अब डोर्सल सरफेस की बात करते हैं। डोर्सल सरफेस पे स्पाइनस प्रोसेस होता है, जो इसको दो भागों में बांटता है, डोर्सल सरफेस को दो भागों में बांटता है, सुप्रा स्पाइनस फोसा और इन्फ्रा स्पाइनस फोसा। इन्फ्रा स्पाइनस फोसा लार्ज होता है, सुप्रा स्पाइनस फोसा, क्योंकि इसके ऊपर वाली थोड़ी कम साइज होती है इसलिए इसको कम इन्फ्रा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऊपर की तरफ होता है इसलिए ऊपर की तरफ जो कम होता है, तो इसलिए स्मॉलर सुपरा स्पाइनस फोसा होता है, और जो नीचे होता है लार्जर स्पाइनस फोसा होता है। ठीक है, ये स्पाइनस प्रोसेस है। ये इसकी कोस्टल सरफेस है, थोड़ी कॉनकेव होती है और इसमें तीन से चार रिज पाई जाती हैं। देखो ये लाइनें दिख रही हैं, वो रिज होती हैं। ठीक है, अब इसकी एंगल की बात करते हैं, जो इसका इन्फीरियर एंगल है, जो लेटरल बॉर्डर और मिडिल बॉर्डर के मिलन स्तर पर, इसको इन्फीरियर एंगल बनता है। ठीक है, और ये सुपीरियर एंगल, सुपीरियर बॉर्डर और मिडिल बॉर्डर के मिलन स्तर पर सुपीरियर एंगल बनता है। ठीक है, इसको ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं। स्पेनिश प्रोसेस के जो उभार होता है आगे की तरफ, इसको एक्रोमिन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये सुपीरियर एंगल से आगे जाके की नोच होती है, इस नोच का नाम सुप्रा स्केपुलर नोच होती है। ठीक है, और इससे आगे की जाते ये कोराकोइड प्रोसेस होता है। कोराकोइड प्रोसेस की ग्लेनोइड कैविटी होती है, ये नीचे इसी ग्लेनोइड कैविटी इसके इन्फ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल होती है, ये देखो नोच का निशान है। इस तरीके से एक स्केपुला बोन में तीन एंगल, दो सरफेस, तीन बॉर्डर और तीन प्रोसेस होते हैं, जो उनकी पहचान मैंने आपको बताई है। सबसे पहले हम सरफेस बता देंगे, डोर्सल सरफेस, इसमें स्पाइनल प्रोसेस होता है, डोर्सल सरफेस होती है और एक कॉनवेक्स होती है, ये कॉनकेव होती है जो कोस्टल सरफेस होती है। तीन मैंने एंगल बताए थे, इन्फीरियर एंगल, सुफीरियर एंगल और लेटरल एंगल, ग्लेनोइड कैविटी को लेटरल एंगल ही बोलते हैं। ठीक है, तीन प्रोसेस होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमेन प्रोसेस और कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, सरफेस हो गई, एंगल हो गई, बॉर्डर रह गए, बॉर्डर ये लेटरल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये सुपीरियर बॉर्डर है। इस तरीके से इसके जनरल फीचर होते हैं,
एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने परिचय, इसके अटैचमेंट मसल्स अटैचमेंट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।